पुराने प्लास्टिक बोतल इकट्ठा करें और ये सुंदर सा नया और कलरफुल प्लांटर बना लें। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से। क्राफ्ट पॉकेट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोतल के साथ मैंने ये छोटी मटकी भी ली है। बोतल की सफाई करें और हाइट कितनी रखनी है ये तय कर ऊपरी हिस्से को काट कर अलग करें। ये कटर जो बहुत ही काम का है और आसानी से स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाता है, छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है। स्लाइड कर ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी शार्प होता है तो बच्चों को इससे दूर रखें। एक अलग से पैक में इसके ब्लेड का सेट मिलता है। इन ब्लेड्स को अपने बजट के हिसाब से खरीद कर रख सकते हैं। ये ब्लेड पीछे की तरफ से एक क्लिप में फंसा होता है जिसे आसानी से निकालकर ब्लेड को बदल सकते हैं। इस क्लिप का एक और काम है, जब भी ब्लेड की धार कम हो जाए तो बस इस क्लिप को ब्लेड में फंसाकर ब्लेड का अगला हिस्सा तोड़ दे। ब्लेड के जो पार्ट होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं और आपका ब्लेड फिर से नया हो जाता है। क्राफ्ट करते हैं तो ये आपको रखना चाहिए। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी है जो लगभग 400 रुपये में 20 किलो मिल जाता है। आसपास के किसी भी हार्डवेयर दुकान में ये आसानी से मिल जाता है। पैक के पीछे देखने से पता चलता है ये काफ़ी हद तक सुरक्षित है। वॉल पुट्टी में केवल पानी मिलाकर बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट डो तैयार कर सकते हैं। लोकल ब्रांड, खुले ब्रांड या किसी भी अन्य ब्रांड से ये डो नहीं बन पाते। इसके साथ ही व्हाइट सीमेंट, POP या फिर चॉक पाउडर से भी ये डो नहीं बन पाता। एक अलग से बाउल में वॉल पुट्टी में थोड़ा फेविकोल और पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर ले। हमें बोतल के लचीलेपन को हटाना होगा। वॉल पुट्टी डो से बोतल के साइज को ध्यान में रखते हुए शीट्स बना ले, ना मोटा ना पतला। थोड़े से प्रैक्टिस में ये बनने लग जाते हैं। बोतल पे डॉट डॉट करके वॉल पुट्टी का घोल लगाएं, शीट्स को चिपकाते चले जाएं। किसी भी प्रकार के खुले ब्रांड, लूज ब्रांड या फिर डुप्लीकेट ब्रांड से ये शीट्स नहीं बन पाते, या फिर वाइट सीमेंट या फिर POP इनसे भी शीट्स नहीं बन पाते। फालतू हिस्से को पुराने चाकू से हटा दें। दूसरी शीट्स भी इसी तरह चिपका लें। ज्वाइंट को पुराने चाकू से केवल पानी के सहारे स्मूथ कर लें। उंगलियों से भी कर सकते हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और अपने पैसे और समय दोनों की बचत करें। मटकी के गर्दन के गड्ढों को वॉल पुट्टी से फिल करें, पुराने चाकू से एक सार करें। यह फिलिंग केवल शेप को चेंज करने के लिए किया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वॉल पुट्टी शेप को जब भी स्मूथ करना होता है तो केवल पानी लगाकर करते हैं, ये आराम से स्मूथ हो जाता है। इन सभी क्राफ्ट्स को कड़ी धूप में 2 घंटे के लिए ड्राई होने दें। धूप नहीं है तो छाया में भी सुखा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। टेक्सचर बनाने के लिए कोई भी पुराना ब्रश या फिर टूथ ब्रश ले सकते हैं। मटकी वाले क्राफ्ट पे वॉल पुट्टी के गाढ़े घोल से टेक्सचर क्रिएट करें। अपनी पसंद से कोई भी टेक्सचर बना सकते हैं। ये टेक्सचर का पैटर्न छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं। इन्हें ड्राई होने दें। बहुत ही काम की बात है जो किसी भी क्ले से काम करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। वॉल पुट्टी क्ले से काम करते समय हाथों में लगे क्ले को धोने के लिए एक अलग से बर्तन रखें। इस पानी को कभी भी किचन के सिंक या घर के नाली में ना डालें। इस पानी को 3 या 4 घंटे तक शांत रहने दें। वॉल पुट्टी नीचे बैठ जाता है। अब आप ऊपर के साफ पानी को बहा सकते हैं। नीचे बैठे वॉल पुट्टी के गाद को किसी पेपर या कागज पे समेटकर डस्टबिन में डाल दें और बाद में कचरे वाले को दे दें। बोतल वाले क्राफ्ट जो ड्राई हो चुके हैं, वॉल पुट्टी डो से पेन की मोटाई के बराबर 1/2 इंच के छोटे आकार बनाए। पीछे की तरफ से थोड़ा दबाकर चपटा कर लें। वॉल पुट्टी घोल लगाकर एक लाइन से चिपकाते चले जाएं। थोड़ा ड्राई होने दें, फिर सेकेंड लाइन चिपका लें। 2 या 3 लाइन चिपकाकर थोड़े से ड्राई होने दें। इस तरीके से पूरे क्राफ्ट को कवर करें।
इसका पैटर्न लाइन में ना रखकर ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, शेप मोटा पतला कैसा भी रख सकते हैं। गोल के अलावा कोई और आकार आप दे सकते हैं, मैंने गोल बनाया है, आप अपनी पसंद से कोई भी अन्य आकार दे सकते हैं। पैटर्न कंप्लीट कर इन्हें अच्छी तरह ड्राई होने दें। वॉल पुट्टी डो से कॉइल्स बनाएं, प्रैक्टिस से ये आसानी से बनने लग जाते हैं। कॉइल्स आपसे मोटे भी बन सकते हैं और थोड़े पतले भी बन सकते हैं, जो आसानी से बने बना ले। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डुप्लीकेट या खुले ब्रांड से ये कॉइल्स नहीं बन पाते। वॉल पुट्टी के घोल से कॉइल को बोतल के ऊपरी किनारे पे चिपका ले, दूसरा कॉइल भी बनाकर बगल में साथ साथ के चिपकाते चले जाए। पैटर्न ऊपर नीचे होने की चिंता बिल्कुल ना करें, ये पानी के लहर की तरह दिखेंगे और अच्छे भी लगेंगे। कॉइल वाले पैटर्न को आधे तक बनाकर ड्राई कर ले, फिर बाकी बनाकर एक बार फिर से ड्राई कर ले। दोस्तों, कई बार हम क्राफ्ट बनाने से पहले ही सोचने लग जाते हैं कि हमारा क्राफ्ट कैसा बनेगा। बिल्कुल चिंता न करें, जैसा भी बनेगा अच्छा बनेगा। कम से कम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जितने टाइम आप क्राफ्ट बनाएंगे उतने टाइम आपका ध्यान बिल्कुल क्राफ्ट पे ही लगा रहेगा। थोड़े समय के लिए आप भूल जाएंगे कि आप कहाँ हैं, बस खो जाएंगे क्राफ्ट की दुनिया में। यही वो पल है जब आप अपने सारे स्ट्रेस को भूल जाते हैं और पूरी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। यही है क्राफ्ट का कमाल। वॉल पुट्टी डो से आधे इंच लंबे पत्ती की तरह यानी लीफ की तरह शेप बनाएं। पुराने नेल कटर या चाकू से इसकी डिटेलिंग करें। इस लीफ पे लाइनिंग वाले टेक्सचर दें जो आसानी से बन जाते हैं। मटके वाले क्राफ्ट पे फ्लावर का कंपोजिशन सोचकर सभी पंखुड़ियों को बारी बारी से वॉल पुट्टी घोल से चिपका लें। इसके साथ ही सेंटर में गोल शेप बनाकर चिपका लें। पेंसिल के नोक से या फिर तार से इसकी डिटेलिंग करें, फिर से ड्राई होने दें। मटकी वाले क्राफ्ट को छोड़कर प्लास्टिक वाले में नेचुरल प्लांट भी रख सकते हैं। तो क्राफ्ट शुरू करने से पहले नीचे की तरफ दो तीन होल कर लें। आइए अब कलर की शुरुआत करते हैं। कोई भी मनपसंद एक्रेलिक शेड लेकर कलर स्टार्ट करें। मैंने मल्टी कलर लिया है, आप सिंगल कलर का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। कम से कम दो कोट करें, एक कोट को ड्राई होने दें फिर दूसरा कोट करें। ये क्राफ्ट अगर गंदा हो जाता है तो गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं या फिर ड्राई ब्रश से साफ कर सकते हैं, और अगर पुराना हो जाए तो फिर से कलर कर सकते हैं। यहाँ प्रयोग किए गए सभी कलर्स के नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये रंगीला प्लांटर बिल्कुल तैयार है। प्लास्टिक बोतल पुराना पर क्राफ्ट बिल्कुल नया। इस तरह के ढेरों क्राफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। दोस्तों, मैं इस समय अपने पैतृक गांव में हूं जो बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। यहां आने का कारण एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। सच तो ये है कि सारी स्थिति का नियंत्रण ऊपर वाले के हाथों में ही होता है। बस आपका सपोर्ट चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम इस सिचुएशन से उबर पाएँ और अगले क्राफ्ट पे जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएँ। अगले क्राफ्ट में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए पहले ही आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप सभी के सपोर्ट के लिए मेरा बहुत बहुत दिल से आभार है।